अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ राइस। इसमें एक दो टिप्स मैं आपको बिल्कुल ऐसी बताऊंगी कि इसका फ्लेवर और इसकी शक्ल रेस्टोरेंट जैसी आएगी। मैंने राइस बॉईल करके पंखे के नीचे रख दिए हैं, बिल्कुल पूरे बॉईल किए हैं, कोई इसमें कन्नी नहीं छोड़नी। इसमें जो सबसे लंबा काम होता है वो होता है वेजिटेबल कटिंग का, अदरवाइज इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो अज्जा सामने पड़े हुए हैं मैं आपको बता दूं, ये मैंने बंद गोभी ली है, एक छोटी चिकन 500 ग्राम लिया, छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिए, बहुत छोटा काट लिया था क्योंकि राइस होते हैं। दो एग ली हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला है। एक टीस्पून वाइट पेपर ली है, थ्री टेबलस्पून सोया सॉस, और ये साथ में मैंने रखा हुआ है लहसुन का पाउडर, और पीछे छुपा हुआ ऑयल भी पड़ा हुआ है 1/4 कप, लेकिन मैं थोड़ा कम यूज़ करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है जितना कम हो सके ऑयल यूज़ हो। तो बस अब चलते हैं, इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, इसमें पैन गर्म हो जाएगा। तो पैन गर्म हुआ है तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया, और एग्स जिसमें फूड कलर डाल के फेंटा हुआ था वो इस ऑयल में डाल के पका लेना है। जब ये अंडे पक जाएंगे तो इनको निकाल के साइड पर रख लूँगी। अब फिर से थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और मैं इसमें चिकन फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह फ्राई करना है, उसका जो स्मेल निकल जाए। मैंने चिकन में भी कोई मसाला ऐड नहीं किया, क्योंकि जब हम सॉसेज डालते हैं उसमें नमक भी होता है, और वाइट पेपर हम डाल रहे हैं, मैं कम यूज़ करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप दूसरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर भी, और अपने हिसाब से थोड़ा मिर्चों वाला कर सकते हैं, लेकिन इतना बाज़ार में भी स्पाइसी नहीं होते ये राइस, क्योंकि वो इसको ग्रेवी के साथ सर्व करते हैं और ग्रेवी में स्पाइसेस होती हैं, तो अगर राइस में भी स्पाइसेस हों तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएंगी। चिकन का पानी जैसे खुश्क हुआ, मैंने 1 कप अप्रॉक्स जो है क्यूब कट में गाजर कटी हुई थी, 2 गाजरें मैंने ली थी और मीडियम साइज़, वो कट करके मैंने इसमें डाल दी। अब 1 मिनट जो है वो इस गाजर को पकाऊँगी। इसके बाद मैंने क्यूब में कट छोटी छोटी कट की हुई थी शिमला मिर्च ले ली, क्योंकि राइस है तो सारी वेजिटेबल्स क्यूब कट की हुई, इवन कि चिकन भी क्यूब कट ही है, बहुत बड़ा बड़ा कट नहीं किया हुआ। शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम को भी अब 1 से 1.5 मिनट पकाऊंगी, और ये मैंने 1 या 1.25 कप लिए थे, 2 बड़ी शिमला मिर्च, मीडियम शिमला मिर्च थी। मैंने अगेन हल्का सा ऑयल डाला है, और 1/4 कप मैंने इस रेसिपी में पूरा यूज़ नहीं किया। अब बंद गोभी को ऐड करके मैं थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी। वेजिटेबल का कुकिंग टाइम 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है। अभी तक आपने देखा होगा मैंने मसाला कोई नहीं डाला, ये टिप नंबर 1 है इसके कलर के लिए। आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं चिकन में, इसके अलावा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, कोई सॉस नहीं। अब मैं चावल इसमें ऐड कर दूंगी, और अब चावलों के बाद मैं मसाले ऐड करूंगी। उसकी वजह ये है कि इसमें कलर आ जाएगा मसालों का, अगर वेजिटेबल में ऐड किया तो सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर हम मसाले चावलों में डालेंगे तो आपकी वेजिटेबल्स का खिला खिला कलर ही रहेगा। बातों के दौरान मैं इसमें वाइट पेपर डाल चुकी हूँ, और साथ ही मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दी है, और ये चिकन पाउडर भी है जिससे टेस्ट इन्हेंस होगा। ये याद रखिएगा कि चावल जो थे वो फुल बॉयल थे और पंखे के नीचे रखे हुए थे। फुल बॉयल इसलिए थे कि चाइनीज़ राइस को दम नहीं लगता। मैंने एक दफ़ा में सारे राइस नहीं डाले ताकि मिक्स अच्छी तरह से हो जाएं, और वैसे भी एकदम ज़्यादा डाल दो तो वो मिक्स करने में बहुत मुश्किल होती है। अब मैंने सेकंड स्टेप में फिर राइस डाले हैं, और इसके बाद मैंने एग डालना है और इसको मिक्स करने हैं। मैं ऐसा ऐसा 3 स्टेप्स में राइस इसलिए डाल रही हूँ ताकि प्रॉपर मिक्स हो जाएं। और इसी दौरान आपने नमक मिर्च टेस्ट कर लेनी है अपने हिसाब से, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद। बस इस यही लास्ट स्टेप में, अब इसके बाद फिर मैंने राइस डालने हैं और इसकी मिक्सिंग करनी है। हमारी आसान सी छोटी सी रेसिपी, छोटी सी इसलिए जब आप प्रिपरेशन पहले ही कर लेते हैं तो फिर ये बिल्कुल ही थोड़ा सा प्रोसेस रह जाता है, और मैंने प्रिपेयर सब कुछ पहले कर लिया हुआ था। अब बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर कोई नई रेसिपी या बेकिंग की टिप एंड टेक्निक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी इंशाल्लाह जल्दी। मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।